हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाला है एक DIY प्रोजेक्ट जिसमें मैं बनाने वाला हूँ एक सैडल स्टे टॉप रैक की कॉम्बिनेशन जो कि टूरिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर आप पिलियन राइडर के साथ राइड करते हो तो आपको सैडल बैग ऑब्वियसली कैरी करना है। सैडल बैग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, बजट में सैडल बैग कैसे खरीद सकते हैं और कौन सा बैग आपके लिए सही रहता है, लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं सैडल स्टे को डिज़ाइन करता हूँ। बहुत ही स्टडी होगा इसमें, आप मतलब कि कितना भी चाहे लोड दे सकते हैं। और अगर आप ये कॉम्बिनेशन कोई रिनोन ब्रांड से जाके खरीदते हैं मार्केट से तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जाना का खरीदते हैं उसका प्राइस आपको लगभग 4,000-5,000 ऐसा पड़ जाता है। पर ये जो बिल्ड मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर काफ़ी बजट बिल्ड होने वाला है, जहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर स्टड्स का टॉप रैक। ये मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, अमेजोन में जो सारे टॉप रैक्स अवेलेबल है उससे आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं और उतना स्टडी भी नहीं होता। तो इसलिए आप स्टड्स का टॉप रैक प्रेफर कीजिए, ये काफ़ी वेल बिल्ड होते हैं, काफ़ी थिक मटेरियल से बना होता है। इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो लाजवाब है, 550 के करीब इसका प्राइस पड़ता है और ये काफ़ी वेल बिल्ड है। इसके बाद सैडल स्टे मैं जिससे बनाने वाला हूँ उसमें लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ लेकर्ड्स। मैं हमेशा से लेकर्ड से ही सैडल स्टे बनाता हूँ। आपको ये मार्केट में 100-200 रुपये में यूज्ड वाला मिल जाएगा, यूज से ही काम चल जाएगा क्योंकि हम इसे वैसे ही काट करने वाले हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्यों मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट शेप में है, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है। और इसे जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये इतना विड्थ आप देख सकते हैं। साइलेंसर के ऊपर से आपका सीट के जो डिस्टेंस है ये काफ़ी अच्छी तरह से फील करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में न्यू है तो। अगर आपको नहीं पता ये चैनल के बारे में तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तभी सब्सक्राइब कीजिए वरना सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आने में एक लाइक मैं ऑब्वियसली अप्रिशिएट करता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ऐसी डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं या फिर आप इसे उल्टा करके ऐसा डिज़ाइन भी बना सकते हैं जैसा आपका मनपसंद और जैसा आपके बाइक के स्ट्रक्चर के साथ जाता है। और सिमिलर तरीके से हम दोनों साइड का मतलब कि दूसरे वाला लेग गार्ड भी कट करके ऐसे ही बना लेंगे। एकदम प्रिसाइज कटिंग हुआ है, दोनों एक समान डिज़ाइन हुआ है। तो अभी मॉडिफिकेशन करने की बारी है हमारा टॉप रैक की। तो टॉप रैक जो है ये बुलेट का है, तो बुलेट का जैसे सीट नैरो होता है तो एफजेड में अगर हम इसे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना नैरो है और इसके ऊपर से सीट नहीं लगेगा। तो ये है कंडीशन। तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा यहाँ पर समहाउ इसे वाइड करना है ये वाले पोजिशन को। तो इसके लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट दी गई है। तो ये ऑन एंड ऑनली तरीका नहीं है ये करने का, पर मैं जैसा सोच रहा हूँ कि इसे कट करके उसके बाद हम इसे हाथ से ही ऐसे पुल करके दोनों साइड से इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्लो एंड ईजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैपिंग बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अभी ये दोनों क्लैंप्स को अगर हम कट कर देते हैं इसके बाद ये सीट आसानी से निकल जाएगी। और यहाँ पर एक्सपेंशन भी आप देख सकते हैं लगभग हाफ इंच तक यहाँ पर इसका विड्थ इंक्रीज हो चुका है। यहाँ से हाफ इंच मतलब कि यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं लगभग 2-3 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों क्लैंप्स को कट कर देंगे। इसके बाद ये ग्रैवल जिस 2 बोल्ट से कनेक्टेड है वहाँ से क्लैंप बना कर इसे लगाएंगे, उसके बाद इसका हाइट इंक्रीज करेंगे। सो 1 स्टेप एट अ टाइम और परफेक्ट टॉप रैक है सेकंड स्टेप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ऑलरेडी इसे कट कर लिया क्योंकि यहीं से दोनों क्लैंप्स आउट होगा और ये जो क्लैंप्स यहाँ से निकला भी कट करके
तो ये वाले क्लैंप से हम साइड वाले जो सैडल स्टे होते हैं उसे माउंट करेंगे।